ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो क्या होगा, किसके पास कितना मिलिट्री पावर है, दोनों में से कौन जीतेगा और इस लड़ाई में सारे देश किसका साथ देंगे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इजराइल और ईरान की लड़ाई की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसे मिडिल ईस्ट के अनस्टेबल इतिहास और जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स को देखते हुए कहा जा रहा है। और अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर हमला कर दिया था, जिसके जवाब में ईरान 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स से इजराइल पर हमला किया। फिर बाद में ये लड़ाई धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन अभी दो दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, जिसका शक इजराइल पर जा रहा है। तो अगर इसी को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए तो क्या होगा, इसे जानने के लिए दोनों देशों के पास क्या एडवांटेज है, इसके बारे में जानते हैं। पहले अगर बात करें इजराइल की, तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजीज वाला देश है, जिसकी सेना बहुत मजबूत है, क्योंकि ये रिफाइंड एयरफोर्स, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसी एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दावा करता है और माना जाता है कि इसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि ये अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करता, और इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी खतरों को बढ़ने से पहले उन्हें बेअसर करने के लिए तेजी से हार्ड एक्शन पर जोर देती है। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी साइबर वॉर और सटीक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जानी जाती है। बात करें ईरान की, तो इसका रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी और लॉन्ग रेंज की बहुत सारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट को निशाना बनाने में केपेबल हैं। और IRGC मिलिट्री यूनिट ईरान के जियोपॉलिटिक्स और राजनीतिक तौर पर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ईरान ने लगातार अपने मिसाइल प्रोजेक्ट को डेवलप करने में भारी इन्वेस्ट किया है, और कई देश जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हाउथी जैसे ग्रुप का एक नेटवर्क खड़ा किया है, जिसका फायदा उठाकर ये इजराइल का भारी नुकसान कर सकता है और विरोधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब बात करते हैं आखिर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा। तो युद्ध कई वजहों से शुरू हो सकता है, जिसमें पहले ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इजरायली हवाई हमला या इजरायली हितों पर ईरानी हमला, और दूसरा है प्रॉक्सी हमलों का बढ़ना, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास या और कोई ईरानी सपोर्टेड ग्रुप द्वारा इजराइल पर हमला करने से, और तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमास को खत्म करके गाजा पट्टी पर कब्जा करना, जिससे इन दोनों की लड़ाई के बीच में मिडिल ईस्ट के कई देश भी आ सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब और UAE दोनों ने ईरान को कई सालों से खतरे के रूप में देखा है और ईरानी खतरे के खिलाफ इजराइल के साथ तेजी से नजदीकियां बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से ये इजराइल को लॉजिस्टिकल और मिलिट्री असिस्टेंस देंगे। और लेबनान में हिजबुल्लाह, जो इस युद्ध में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ नॉर्दर्न में मोर्चा खोल सकता है, जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट इजराइल का साथ देते दिखाई देंगे। उसके बाद सीरिया में ईरानी सैनिकों और हिजबुल्लाह की मौजूदगी को देखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट बैटलफील्ड बन सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन ग्लोबल पावर्स किसको सपोर्ट करेंगे? हम सब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का एक पुराना दोस्त है, जो खुफिया जानकारी दे सकता है, क्योंकि ये इस एरिया में कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस बनाकर रखा है, जो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक मदद कर सकता है। अब रूस को देखें, तो इसका ईरान के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, जो ईरान को डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस समय के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। और चीन ईरान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए रखता है, इसीलिए ये ईरान पर लगे सेक्शंस को दरकिनार करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रख सकता है, और यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से डिप्लोमेटिक तरीकों से कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इस युद्ध में किन चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इजराइल ईरानी न्यूक्लियर प्लांट और मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाकर हवाई हमले शुरू करेगा। इसके जवाब में इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ईरानी जवाबी हमलों को रोकने का टारगेट रखेंगे, लेकिन ईरान इजरायली शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ जवाब देगा, जिसमें इसके प्रॉक्सी ग्रुप भी साथ देंगे। उसके बाद साइबर वॉरफेयर के साथ साथ हॉर्मूज स्ट्रेट, जिसके रास्ते दुनिया भर में 25% तेल सप्लाई होता है, जिसे ईरान ब्लॉक कर देगा। इस तरह की कार्रवाई से ऑयल शॉर्टेज की वजह से दुनिया भर में इसके दाम बढ़ जाएंगे और ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकती है। ये युद्ध कब तक चलेगा, तो ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसमें स्पेसिफिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करके ये वॉर कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है, या फिर अगर इसमें कई देश शामिल हो गए और इंटरनेशनल इंटरवेंशन इसे रोकने में कामयाब न हुआ, तो ये एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट महीनों या सालों तक चल सकता है। युद्ध खत्म होने के बाद के क्या हालात होंगे, घनी आबादी वाले एरियाज में कैजुअल्टीज एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से लाखों लोगों के जान और माल का नुकसान हो सकता है। रेफ्यूजी क्राइसिस से पड़ोसी देशों
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को निपटने और मदद करने में बोझ का सामना करना पड़ेगा, और इन दोनों देशों की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी और तेल के दाम तो आसमान छूने लगेंगे, जिससे आम इंसान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल अलायंसेस को फिर से समझौते करा सकता है, जिससे ये युद्ध के बाद अपनी विदेश नीतियों और रणनीतिक प्राथमिकताओं को बदल सकते हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी की चुनौतियों को बढ़ा सकता है, जिसमें आतंकवाद और साइबर खतरे शामिल हो सकते हैं, जिससे ये एरिया हमेशा के लिए इनका गढ़ बन सकता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में हुए खर्च जो हथियार दौड़ को बढ़ावा दे सकता है, इससे ये एरिया और ज्यादा अनस्टेबल बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जीतेगा कौन। ऐसे वॉर में किसी एक देश को विनर तय करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जीत को बहुत तरीकों से मेजर किया जा सकता है, जो मिलिट्री सक्सेस से लेकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सकता है। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी एज और पावरफुल एयरफोर्स के कारण अपने आप को जीता हुआ मान सकता है, हालांकि ईरान की बेहतरीन तकनीकों और रीजनल प्रॉक्सी के नेटवर्क को यूज करने की ताकत इसराइल को बड़े नुकसान का सामना करवा सकता है, जिससे ईरान अपने आप को जीता हुआ मान सकता है। लेकिन लंबे समय तक चले युद्ध पॉलिटिकल सिनारियो पर डिपेंड करेगा। अगर इसराइल ईरान की मिलिट्री और परमाणु फैसिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है, तो ये जीत का दावा कर सकता है। लेकिन अगर ईरान के प्रॉक्सी दबाव बनाए रख सकते हैं और इसराइल की सीमाओं को अशांत कर सकते हैं, तो ईरान एक प्रकार की जीत का दावा कर सकता है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।